नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तिहाड़ जेल कैदियों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। कैदियों के भगाने की बात छोड़िए, इस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इन सबके बावजूद एक ऐसा खेल हो गया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात की वजह से तिहाड़ जेल में 6,740 कैदियों को एमरजेंसी पेरोल पर रिहा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 3,500 लापता है। अब जेल प्रशासन ने इनका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस से कहा है। लापता कैदियों के बारे में जेल प्रशासन के पास कोई सूचना भी नहीं है। इन कैदियों की संख्या 3,000 से ऊपर है। कोविड-19 के प्रारंभ के समय ही जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा के लिए भी कई प्रयास हुए थे। इन प्रयासों की श्रृंखला में 2020 में तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या को कुछ हद तक सीमित करने के लिए 6,740 कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था। रिहा किए गए इन कैदियों में से कई कैदी कैंसर, HIV, किडनी और दमा की गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। इनमें से 3,468 कैदी वापस लौट कर ही नहीं आए। जिन कैदियों को रिहा किया गया उनमें से 1,184 सजागता कैदी थे। इन्हें शुरुआत में 8 हफ्तों के लिए पेरोल पर रिहा किया गया था। ये समय परिस्थिति के हिसाब से बढ़ती गई। आखिर में इन कैदियों को 7 फरवरी से 6 मार्च के लिए 20 सरेंडर करने के लिए कहा गया था। कई कैदी वापस आ गए, किंतु इनमें से 112 कैदी अभी भी लापता है। इसी प्रकार 5,556 विचाराधीन कैदियों को आपातकालीन पेरोल पर रिहा किया गया। इनमें मार्च के अंत तक सरेंडर करने के लिए कहा गया था। इनमें से 2,200 कैदी ही लौट कर आए हैं। कई कैदी तिहाड़ के अलावा मंडोली और रोहिणी जेल से भी रिहा किए गए थे। तिहाड़ जेल प्रशासन ने ना लौटने वाले कैदियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को दे दी है। प्रशासन के निवेदन पर अब दिल्ली पुलिस के इन लापता कैदियों की तलाश करेगी। पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर जेल में कैदियों की संख्या को कम करने के लिए कई राज्यों ने समितियों का निर्माण किया है। दिल्ली में भी उच्च न्यायालय की जज हीमा कोहली की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया, जिसकी सलाह पर तिहाड़ और दूसरे जेलों से कैदियों को आपातकालीन पेरोल पर रिहा करने का सुझाव अमल किया गया है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।